ओके तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन पे हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, हमने पढ़ा है कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी साइन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको अल्जेब्रिक, उसको सिंपल इक्वेशन कहते थे हम वहाँ। लेकिन और वहाँ हमें वेरिएबल्स यूजुअली फाइंड करने होते थे, राइट? लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमें जो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, जो ऑब्जेक्ट फाइंड करने होते हैं, देट आर मेट्राइसिस, ठीक है? तो हमें यहाँ मेट्राइसिस फाइंड करने होते हैं, बजाय किसके, बजाय हमें वेरिएबल्स के, ठीक है? तो हमारा देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें क्या कह रहा है कि आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि ये इक्वेशन आपको दी गई है, राइट? अब देखें, ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये क्या क्या हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है? हम अगर उसको अदर साइड दे ले जाएं तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स में से जब ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है? इस तरीके से जो है ए मैट्रिक्स है उसका हमें रिजल्ट मिल गया, राइट? अब देखें, यहाँ हमारे पास एक और इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए फाइंड करना है, ठीक है? और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वेशन के तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो देखें, मैंने इस मैट्रिक्स में से जब मैं ये वाला मैट्रिक्स दिस वन माइनस करूँगा देन आई विल गेट दिस रिजल्ट, राइट? इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन भी सॉल्व करी। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेम किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या है, बजाय पॉजिटिव मैट्रिक्स के यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, ए माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है? तो ये जो मैट्रिक्स नेगेटिव है, अदर साइड लेकर जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो हमने ऐसे ही किया, इसको दूसरी साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना, जैसे हमने ऐड किया तो क्या हुआ, हमें ये लास्ट वाला मैट्रिक्स जो है इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है? इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब देखें, कुछ मैट्रिक्स इक्वेशन के क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें क्या करना है, ऐसी मैट्रिक्स इक्वेशन है और होल ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक स्केलर या एक नंबर, आप जिसको कह दें एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रियल नंबर हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? जब रियल नंबर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 3a, राइट? दैट इज दिस वन, ठीक है? तो ये 3a आ गया। और सिमिलरली जब ये 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किस मैट्रिक्स से, हमारे इस मैट्रिक्स से, तो ये क्या होगा, 3 इसके आगे आ जाएगा, जो हमें अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, स्केलर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने ऐसे ही किया, स्केलर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद क्या 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 हो गया, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स बन गया, मैं अदर साइड लेकर जाऊंगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 क्या हो रहा है, यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड में जाकर इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसको मैंने हर टर्म से डिवाइड कर दिया और ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है? अब आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं इन दोनों को 6/3 करूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट डिवाइड नहीं हो रहे, तो मैं पॉइंट्स में आंसर निकालना या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालने कोई जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? सिमिलरली ऐसी भी हमारे मैट्रिक्स इक्वेशन आ सकती है जहाँ कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, हमारे पास यह क्या हो रहे हैं, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, स्केलर टाइम्स एक वेक्टर है, यानी स्केलर टाइम मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो मैं 5 स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूंगा एवरी एलिमेंट से, तो एवरी एलिमेंट से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब देखें, ये जो आपका मैट्रिक्स है, आप जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फाइनली मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, सो दिस इज आवर रिजल्ट। सिमिलरली आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है और राइट हैंड साइड में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस रिजल्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 2 स्केलर है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं स्केलर को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, राइट? क्योंकि 2b का क्या होगा, मेरे पास 2b होगा, तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 2b, ठीक है? और जब किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है,
तो वो मैंने फिलहाल बाहर ही रखा है। सेकंड स्टेप में मैं ये टू हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 5 10 एंड 2 0 0, तो इस तरीके से मेरा पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, मैट्रिक्स अब ये पॉजिटिव है, उस साइड जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे मैंने सेपरेट कर दिया दो मैट्रिसेस, आई गॉट दिस रिजल्ट। अब क्या हो रहा है, ये मेरे पास टू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने हर एलिमेंट से 2 डिवाइड किया, आई गॉट दिस रिजल्ट, तो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास जो है एग्जाम में आती है, और उसके डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं, तो उसमें जो अननोन मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ।